चलेगा नहीं चलेगा, फिक्सिंग चीज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिक्सिंग चीज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिक्सिंग चीज नहीं चलेगा। परवाम लीगो, परवाम लीगो, परवाम बात अब तक अब तक फिक्सिंग चीज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिक्सिंग चीज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिक्सिंग चीज नहीं चलेगा। डॉक्टर लेगो, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिक्सिंग चीज नहीं चलेगा। क्योंकि एक्चुअली बोले से यहाँ में अभी जो टेंडर सिस्टम को वो लोग जो वायलेट कर रहे हैं, जैसे कि आपका पहले से आपका जो ये जो आपका एम ई एन एम ई एस ये इसका आपका टेंडर ओपनिंग हो रहा है, तो उसको लास्ट यस्टरडे प्राइवेट मीटिंग के लिए प्राइवेट मीटिंग में था कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली वायलेट हो रहा है, उसके कल कंप्लेंट दिया। तो कंप्लेंट को वो लोग जो ये नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं वो लोग जो सिस्टम को इसलिए बोल रहा है, ऐसे कर रहा है L1 को पहले से L1 सिस्टम मतलब L1 का वो मतलब ये जो टेंडर चलता था, तो वो क्या कर रहा है L1 जो होगा लेकिन क्या करे वो लोग जो बेंच मार्क प्राइस में वो लोग जो ये कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब आपका बेंच मार्क ये जो प्राइस जो काम में होता है काम में चलता है बोने से, ये एक्चुअली बोले सिविल नॉन प्राइसेबल, जैसे कि आपका PMJSY जो कि सिविल वॉर है ना, ऐसे को वो लोग वायलेट कर रहे हैं। एक्चुअली वो मर्जी खुशी ये आपका जो कर रहा है जो आपका चेयरमैन तीन हैं, एम लेगो सर, DHS डायरेक्टर हेल्थ सर्विस एंड एम बसर एन थक वो लोग जो कुछ वायलेशन ये कर रहे हैं, तो हम लोग जो ये जो आप लोग को ये जो अच्छा एक क्वालिटी के अच्छा एक सामान के लिए वो प्राइस का थ्रू ही चलता है, विदाउट प्राइस डालेगा तो आपका अच्छा क्वालिटी कहाँ से है, मेडिसिन से लेको सामान बोलो कहीं से भी नहीं आएगा, तो उसका खिलाफ है। इसलिए यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए पब्लिक लोग भी जानना है अगर ये जो बेंच प्राइस बेंच मार्क प्राइस में अगर करता है बोने से अच्छा सामान बिल्कुल कभी नहीं आएगा, इसलिए जितना आप लोग जनता है सब लोग साथ दीजिए। बेंच मार्क जो वो एक्चुअली विदाउट प्राइस होता है, बेंच मार्क प्राइस है ना, उसका कोई प्राइस लेवल नहीं होता, जैसे उसका कोई प्राइस नहीं होता। लेकिन अब एक मेडिसिन कुछ इक्विपमेंट में होता है आपका क्वालिटी का ऊपर में बेस्ट क्वालिटी होगा दाम प्राइस होगा, लेकिन आपका जितना बड़ा जंगल का तो जितना बड़ा रोड बना उसका कोई ये नहीं होता है प्राइस नहीं होता, तो ऐसे हो के L1 का वो है प्राइस टेबल, प्राइस वो प्राइस का थ्रू चलता है वो जेम ना जे, आपका जेम जो जेम का तो ये हो है, तो उसके बाद आपका बेंचमार्क प्राइस जो वो जो बेंचमार्क प्राइस जो वो जो विदाउट वो उसका प्राइस टेबल नहीं होता है, कोई प्राइस नहीं होता है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं मतलब ये बेंचमार्क प्राइस में चल रहा है ये लोग, क्योंकि विदाउट प्राइस टेबल करके ये लोग जो डायरेक्ट ये कर रहे हैं वर्क ये कर रहे हैं आपका ये कर रहे हैं सोप रहे हैं वर्क दे रहे हैं वर्क उधर दे रहे हैं। हम लोग का ये है एक्चुअली बोले से सिस्टम का तौर से कीजिए, और जो अभी बेंच प्राइस मार्क में वो उसमें मत करो, ये है कल का भी कंप्लेंट ये था कि ऐसे मत कराइए और इसको सिस्टम में जाने दीजिए, सिस्टम जो एक्ट है उसको वायलेशन मत कीजिए ना, अगर ऐसे आप अगर टीच करेगा तो अपकमिंग जनरेशन लोग क्या होगा वो कभी भी मरसीदा नहीं होगा। अगर समझने वाला आप लोग जो इतना एक बड़ा ये जो सालों से आप लोग मना करके आने वाला आदमी जो आज ऐसे करने से तो कुछ नहीं रह जाएगा, मना तब तो मैंने सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिक्स आदमी फिक्सेशन नहीं करते रहेगा, समझ रहे हैं ना, आदमी सब फिक्स करते रहेगा, फिक्स में ही चलते रहेगा, तो ऐसे होने से अनएम्प्लॉय जैसे कितना लोग मैंने कहाँ से ऐसे होने फिक्सेशन होने से दोस्त वो डोंट हैव मनी हाउ कुड दे गेट द वर्क ना, ऐसे ओके वो हम तो ये मेरा हम लोग आज प्रोटेस्टर करने का ये चीज़ है कि प्लीज़ रूल एंड रेगुलेशन से उसको वायलेट मत कीजिए। मैं सब अब चेयरमैन सब जी से मैं हम ये करते हैं अनुरोध करते हैं कि ये आपका ये सिस्टम को प्लीज़ मत कीजिए, जैसे था वो सिस्टम में चलने दीजिए, ये फिक्स टाइम है मत कीजिए।
ये इसको आप लोग बाद में आफ्टर दिस दिस मीटिंग प्लीज आप लोग पूछिए, ये इसको हम बोलने नहीं सकिए, वो लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं वो हमको पता नहीं। इसको एक्चुअली मीडिया फ्रेटर्निटी आप लोग सबसे आप लोग सब रिक्वेस्ट है, आप लोग पूछिए इस चीज़ को ना, ये चीज़ को हमको पूछ के वो हम तो ये हम जवाब नहीं दे पाएगा कि वो लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हम ये प्रोटेस्टर ये है कि हम इसका खिलाफ है, जो अभी जो सिस्टम था वो सिस्टम को चेंज कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा सामान को लाने के लिए प्राइस का जरूरी है, और विदाउट मैंने प्राइस में क्यों ये सब दे रहा है उनके, हम लोग ये खिलाफ ये हम लोग ये खिलाफ है। मैंने उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये पब्लिक और टेंडर लोग ना आप लोगों को ये ब्लेम कर रहा था कि आप लोगों ने पहले से ही इसको टेंडर जो है एमई और एमएस का आप लोगों ने फिक्सिंग करके रखा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरा टेबल से मेरा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, इट इज़ फिक्सिंग, बट द डिपार्टमेंट हैज कॉइन दैट इट शुड बी प्रोक्योर थ्रू द प्रोसेस ऑफ बेंच मार्किंग, ठीक है ना? सो दैट इज द थिंग। सो टुडे वाज अ शेड्यूल डे, दिस इज अ री टेंडरिंग, एक बार हो चुका है, ठीक है? देन बिफोर दिस प्रोसेसिंग ऑफ दिस टेंडर तो देयर ग्रीवांसेस हैव बीन टेकन ऑन द फ्री विथ दे, सो देन दैट वॉज फ्लैग टू द गवर्नमेंट, ठीक है? सो एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन वी हैव कैरी ट्राई टू अटेम्प्ट टू कैरी आउट दिस टेंडर प्रोसीड्यूर टुडे, ठीक है? तो सर उन लोग का ये मानना है कि जो पर्टिकुलर जो बेंचमार्क है वो अगर उस हिसाब से अगर टेंडर अगर पास किया जाए तो जो नॉर्मली जो जो इक्विपमेंट्स आता है या फिर दवाई आते हैं उसमें वो नहीं प्राइस रेट नहीं होगा, तो उसका ऊपर आप लोग का क्या कहना है? प्राइस रेट अगर ये चीज सप्लाई करने से तो कस्टमर को भी कंफ्यूजन होगा, तो उसका ऊपर आप लोग का क्या कहना? देखिए देयर नरेशन आई डोंट नो, बट द बेंचमार्क इज यूजुअली दैट इज अ डिस्क्रिशनरी ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड द बेंचमार्क कीपिंग बेंचमार्क इज द इज एन एम दैट अनरियलिस्टिक रेट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल टू बी रेक्टिफाइड, ये है मेन है। बट बेंचमार्क में एक पॉइंट नहीं लेता है, द डिपार्टमेंट विल मैप डिफरेंट कंपनीज, देन द उसमें अंदर में भी इन दैट बेंचमार्क आल्सो देयर इज L1, दे आर टेलिंग L1, सो देयर लाइज L1 जो बेस्ट ये का इम्प्रेसिव बेस्ट जो रेट दैट विल बी द बेस्ट रियलिस्टिक प्राइस विल बी टेकन फॉर क्वालिफाइंग द टेंडर बिड, यही है मेन। बट आई डोंट नो वट देयर दिस कॉन्सेप्ट अबाउट दिस बेंचमार्क, दे आर लिमिटिंग ओनली टू ए वन नंबर, बट द डिपार्टमेंट आइडिया इज टू टेक ए रियलिस्टिक प्राइस ऑफ द मटेरियल दैट वुड बी प्रोक्यूर्ड, ठीक है ना? सो बट दैट इज एज पर द गवर्नमेंट अप्रूवल, सो इट इज़ नॉट माई ओपिनियन, ठीक है ना? सो वही बात है। तो L1 also this benchmark encompasses the L1 level of the material, क्योंकि उसमें भी हमको मिनिमम तो 3 कंपनी हमको देखना पड़ गया रेट को, तो रेंज को देख के देन बेस वाला ही लेगा। एंड वी हैव एक्सपीरियंस नॉट ड्यूरिंग माई टाइम बट एज ऑन रिकॉर्ड इन द डिपार्टमेंट L1 करके पहले किया हुआ है, L1 का नाम है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5000, तो इसको सम कंपनी विल सम वेंडर्स विल कॉट 5000 का जगह में 10 रुपया जस्ट टू हैव दिस लोवेस्ट लेवल ऑफ द प्राइस। सो व्हाट हैपन जब हम ऑपरेशनल फील्ड में आते हैं तो यू है वो नॉट फिजिबल 5000 को, अब हाउ यू आर गोइंग टू एग्री टू द 10 रुपया में आप कैसे देगा? So that is the issue, but this is a government decision on that basis. That's it. Sir, जैसे मेरे कलीग ने कहा था कि L1 में नहीं कर दिया आप लोगों ने, बेंचमार्क में कर रहा था, लेकिन ये सर GPR का रूल में आता है कि अंदर ही? हाँ, GPR GFR रूल में तो हमारा ये FPA के मेरे FNO साहब बोल सकेगा that you can financial expert से बोल। हाँ, तो मेन तो रिजनेबिलिटी है ना, रिजनेबिलिटी ऑफ द रेट है ना।
तो ये तो कोई कॉइन कर सकते डिपार्टमेंट ना, वो जरूरी नहीं है हमको ये कहीं, ये दिस इज फॉर रियलिटी ऑफ द प्राइस ऑफ द मटेरियल, बिकॉज हमारे यहाँ में मेनी आर देयर जो उसको काम मिलने से हो गया समन देगा लो प्राइस में, लेकिन बेंचमार्क में ऑलरेडी इंक्लूसिव होता है एन कैम पास आई से, क्यों बेंचमार्क के अंदर में तो आप फिक्स ये नहीं होना, तीन चार तो ये का कंपनी का दाम लगा, जैसे एक का है 100, एक का है 200, एक तो का ये है जी सर, तो उसमें तो मीन एवरेज बिल हम देखना पड़ेगा जी सर। ऐसा कह रहा था कि जैसे बेंचमार्क आप जैसे आप एग्जांपल दिया था आपने नोटबुक का, ऐसा बोल रहा था कि एग्जैक्ट प्राइस जो है ट्रांसपेरेंसी जो कहते हैं एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं चल रहा है कि अब उठा कितना मिल रहा है ना सामान को, जो इक्विपमेंट जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हो गया और बहुत कह रहा था कि बहुत कॉस्टली हो जाता है और गारंटी भी नहीं है ऐसा कुछ बोल रहा था। ऐसे तो कैसे होगा, we always seek for the good quality and guaranteed materials only, that's why it is a benchmark, so it is uncomfortable for somebody, so that is the issue. This protest ko sir abhi aap log resolve kis tarah se karega, aap log kuch baat iska ha ye dekhiye bhai, when this environment is not conducive for conducting this bid, so it is keep events will bring it to the foot forward to the government for further suggestion, ठीक है, so मेरा तो इसमें conflict of interest नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एज ए डी ए सर, तो वही है। तो सर आपका तरफ से जो आज यहाँ में बाहर में protest किया गया है उसको लेके आप government को आप बात करेंगे? चलिए भाई इसमें तो मैं इतना personally नहीं जाऊँगा, लेकिन what my personal observation is that was very vindictive type of thing, because my name was called there, Moromor Lego, and कोई हमारे एक्स वाई जेड मेरा ऑफिसर सबॉर्डिनेट ऑफिसर का नाम भी लिया, आई थिंक इट साउंड्स विंडिक्टिव, क्योंकि ये मेरे तो बट आई डोंट माइंड डीएसएस को आप बोलो, डीएसएस बोलो चेयरमैन बोलो आई डोंट माइंड, बट मेरा नाम मोरोमोर लेगो एम लेगो जो लोग साउट किया, माय ओपिनियन है ये पर्सनल, आई मे बी रॉन्ग आल्सो, आई अंडरस्टैंड माय सोर्स जो है इट मे बी रॉन्ग। तो सर आपका ये मानना है कि उन लोगों का प्रोटेस्ट जो मेन पॉइंट वही था कि जीएफआर को वायलेट किया गया है, हाँ यही है, सो सो दैट विल बी दैट लुकिंग इनटू दैट, वो गवर्नमेंट में छोड़ देगा हम लोग, जीएफआर तो क्या है, जीएफआर क्या होता है वो तो रियलिस्टिक को हमको ढूंढना है, ये नहीं कि व्हिमसिकल हो गया हम इतना करोड़ का मेडिसिन सप्लाई करना है, एकदम अनरियलिस्टिक प्राइस को कोट करके वो हमको सप्लाई देगा, वो अवार्ड मिल जाएगा, मिल के डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देना है, कहाँ कहाँ देना है वो चीज़ देखते ही खरीदने नहीं सकता है, ये हम लोग एक्सपीरियंस हुए पहले, ठीक है ना सर। इस बार टेंडर ऑनलाइन जिम में नहीं, हाँ ई टेंडरिंग, हाँ ये तो रीजन बीइंग दैट बिकॉज जेम में हमारा कैंडिडेट हमारा लोकल आदमी लोग इतना ईजी से नहीं मिलता है वेंडर, बट दिस वॉज टू फैसिलिटेट दैट ई टेनर लोकल फॉर वोकल, हमारा अपना ये लोग को भी थोड़ा एनकरेज करो, अगर कमियाँ होगा वो अपना डिफरेंट सोर्सेज से अपना अरेंज कर लेगा, दैट वॉज द थिंग, सो देयर आर ओपिनियन मेनी स्कूल्स ऑफ ओपिनियन, जेम को भी फिर ऑब्जेक्ट करने वाला है एंड देन ई टेंडर को ऑब्जेक्ट करने वाला है, सो सम इशूज आर देयर। और सर उन लोग का और भी एक कहना था कि ये जो टेंडरिंग आप लोग ने फिक्स किया है वो कि इसका ऊपर वो तो हाउ कैन आई से आई डोंट नो फिक्स है बोल के आई डोंट नो, मेरे को मैं तो सोचते कि रियलिस्टिक प्राइस हमको मिलना है, हाँ मैं तो ऐसे मेरा पर्सनैलिटी भी यही है, मेरा ऐसे फर्स्ट टाइम मेरा मीडिया में आ गया, मैंने को भी मजाक करता है अंशु आपसू को भी मजाक से करता है भाई आप लोग हमको ये तो ना मोरम लगता है कि हम ऐसे मजाक करते हैं, बट आज तो मेरा नाम पर्सनल नाम में गया, सो वेरी इन अ वे आई एम अपसेट।